हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और अभी मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ। देखिए जीपीएस है गला में टंगा हुआ, और नाश्ता वास्ता भी मेरा हो गया है। आज रूम पे नाश्ता नहीं किया था, यहीं पे आकर नाश्ता किया, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। और कीमैन का ड्यूटी तो मालूम ही है कि 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी आना पड़ता है। अभी नाश्ता किया हूँ। तो देखिए इधर थैला है रखा हुआ। अभी एक राउंड पूरा हुआ है, उसके बाद अभी और राउंड पूरा करना है। राउंड का मतलब नहीं समझते होंगे। देखिए जैसे यार्ड में बहुत सारा लाइन होता है, अब देखिए एक लाइन हो गया, दो लाइन उधर हुआ, और इधर देखिए तीन लाइन हुआ, और आगे उधर भी है। देखिए यही सब लाइन में एक बार जा अप, एक बार डाउन, एक बार अप, एक बार डाउन, ऐसे करना पड़ता है। और बाकी उधर तो देखिए गाड़ी लगा हुआ है, और मेन लाइन में तो अप डाउन दो ही लाइन रहता है, एक लाइन से जाना, एक लाइन से आना। यार्ड में तो बहुत सारा लाइन होता है, इसीलिए उसी में अप डाउन करना पड़ता है। जितना भी लाइन है सभी में एक एक बार दो दो बार घूमना पड़ता है, कहाँ पर क्या है, क्या फॉल्ट है, क्या नहीं, यही सब देखने का होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको बताया था कि मन की ड्यूटी कैसी होती है, उसी वही वाला वीडियो में मैं आप सबको बताया था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं आगे, उसके बाद फिर मैं आप सबको आज भी रेलवे के बारे में बताऊंगा। दिल्ली तो रेलवे के बारे में बताता हूँ, आज कुछ अलग दिखाऊंगा आप सबको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सबको वीडियो लाता रहूँगा और आप सबको दिखाता रहूँगा। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। देखिए मौसम बहुत बढ़िया है, ज़्यादा धूप निकला नहीं है, और बादल लगा हुआ है देखिए आसमान में। देखिए कल तो बारिश होने लगा था, शाम को बहुत तेज़ बारिश हुआ था कल, और आज भी फिलहाल शाम तक ज़रूर होगा बारिश, क्योंकि बादल अभी लगा हुआ है, ज़्यादा धूप निकला नहीं है। चलिए चलते हैं आप सबको लेके। देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ, आज मैं आप सबको बताऊंगा जो साइड फिलिंग रहता है बोगी के लास्ट में, बोगी के जो गेट रहता है वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ रहता है साइड फिलिंग। साइड फिलिंग का क्या मतलब होता है, क्यों लिखा हुआ रहता है, आज इसी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। और मेरा चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। ये धूप का चश्मा है, पावर का भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं दिखाता हूँ आप सबको। देखिए साइड फिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और क्यों लिखा हुआ रहता है ये मैं बताता हूँ अभी। देखिए बोगी का जो लास्ट है, बोगी के लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, और आगे भी रहता है बोगी के लास्ट में, उधर भी दोनों साइड में, जहाँ पे जो बाथरूम रहता है ट्रेन में। देखिए इस बोगी में भी लिखा हुआ है, और लिफ्ट है यार इसमें भी देखिए लिखा हुआ है। मैं कल आप सबको बताया था नेक्स्ट ब्लॉक में कि सभी बोगी में रहता है लिखा हुआ, जहाँ जहाँ पे जैक लगाने का वो दिया हुआ रहता है वहाँ वहाँ पे लिफ्ट हेयर लिखा हुआ रहता है। चलिए मैं आगे भी दिखाता हूँ। देखिए इधर भी है, और आगे देखिए लिखा हुआ है साइड फिलिंग। साइड फिलिंग का मतलब हुआ, देखिए नीचे पाइप आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पाइप जो दिख रहा है यहाँ से पानी भराता है, और ऊपर ये ऊपर में टंकी रहता है उसी में पानी भराता है, स्टेशन बाय स्टेशन जहाँ पे पानी फिलिंग होने का रहता है पाइप, जहाँ पे पाइप रहता है, जो स्टेशन पे पाइप रहता है फिलिंग करने का, वहाँ पे उसमें डाल के पानी भरते हैं,
देखिए यहाँ पे पाइप है, इसी पाइप से भरा जाता है। देखिए यहाँ पे पाइप लगा के, देखिए पाइप लगाने के लिए दिया हुआ है और आगे भरा रहा है। मैं आप सबको दिखाता हूँ, आगे पानी फिलिंग हो रहा है टंकी में। उधर आगे देखिए जो कॉन्टेक्ट का लेबर है वो देखिए भर रहा है। ये पैसेंजर गाड़ी है और यहीं से खुलती है ये 2 बजे। जहाँ से जो गाड़ी खुलती है वहाँ पे पूरा साफ सफाई होके खुलता है, कोई भी गाड़ी रहे। सभी बोगी के लास्ट में ऐसा पाइप दिया हुआ रहता है, कोई भी बोगी रहे सभी में दिया हुआ रहता है। मेल हो गया चाहे पैसेंजर हो गया, सभी में दिया हुआ रहता है गेट के पास। देखिए यहाँ पे गेट है और वो आपातकालीन खिड़की है। देखिए उसके बारे में तो जानते ही होंगे, आपातकालीन खिड़की इमरजेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। और लंच का टाइम हो गया दोस्तों, जा रहा हूँ अभी लंच करने के लिए। लंच करने के बाद आऊँगा तो फिर शेष काम करना है। ठीक है दोस्तों, लंच के बाद आते हैं। दोस्तों दीपाली के लिए सरप्राइज लाया हूँ, दीपाली को बताऊंगा नहीं। देखिए साइकिल में टंगा हुआ है, जामुन टंगा हुआ है साइकिल में, दीपाली को नहीं बताऊंगा। ठीक है दीपाली, गेट लगा हुआ है अभी। हाँ बेटा, और लंच के बाद आ गए हैं दोस्तों। और देखिए दोनों साइड गाड़ी लगा हुआ है, माल गाड़ी, और इसी के बीच में घास निकालना है। आज भी शेष काम में घास निकालने का है। इधर जो आगे आगे इधर देख रहे हैं घास, यही सब निकालना है। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। देखिए दोनों साइड निकालना, इधर मैं निकाल दिया हूँ घास। देखिए जो बड़ा बड़ा घास था उसको निकाल दिया, देखिए पीछे कटा हुआ है, और इधर निकालने का बचा हुआ है। इधर अभी दोपहर के बाद से निकालूंगा, और आगे है उधर। दोपहर से पहले इधर निकाल दिया था, शेष काम में लिया हुआ था, इसी लाइन में निकालने का। लाइन भी लिखा हुआ रहता है शेष काम में कि यहाँ पे घास निकालना है, यहाँ पे ग्रेसिंग करना है, यह सब लिखा हुआ रहता है। तो दोपहर से पहले निकाल दिया था और थोड़ा सा और बचा हुआ है, अभी निकालता हूँ। आज भी देखिए दोस्तों बारिश चालू हो गया, अभी घास निकाल रहा था, घास निकालते निकालते पूरा तेज से बारिश आने लगा। देखिए इधर कितना बारिश हो रहा है, डेली इस टाइम बारिश हो जाता है। शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, 1-2 घंटा बारिश खूब दबा के होता है इधर। देखिए पूरा काम हुआ नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ था उधर, देखिए उधर बचा हुआ है अभी। अभी आधा घंटा बच रहा है, अभी भी बारिश देखिए हो रहा है, अभी छूटा नहीं है बारिश। और टाइम भी हो गया है छुट्टी का, 1 घंटा तो लगभग हो गया बारिश का, फिर भी अभी तक नहीं छूटा है। देखिए इधर इधर मैं दिखाता हूँ सबको, देखिए बारिश का कपड़ा है और बोगी के नीचे बैठा हुआ तो ये बोगी कभी इधर उधर सकता नहीं है, इसलिए बैठ गया, नहीं तो बोगी के नीचे बैठना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में लिख के जरूर बताइए। ओके बाय दोस्तों।